बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका किचन एक्सपर्ट उमर भट्ट आपको अपने चैनल पे शामदीद कहता हूँ। व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आपका रमजान बड़ा अच्छा गुजर रहा होगा। तो आज मैं आपके लिए बहुत मजेदार सी स्वीट डिश की रेसिपी लेकर आया हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं जेली फ्रूट डेजर्ट। बहुत मजे का बनता है, बहुत डिफरेंट रेसिपी है, जरूर आपने ये ट्राई करनी है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। जेली फ्रूट डेजर्ट के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है मैं बताता चलूं आपको। इसके लिए हमने जेली ली है दो डिफरेंट कलर्स में, एक ग्रीन कलर है और एक स्ट्रॉबेरी कलर है। उसके बाद हमें थोड़ा सा कस्टर्ड चाहिए होगा, थोड़ी सी सेवइयां बारीक वाली जो होती हैं, चीनी वो भी बहुत थोड़ी सी चीनी चाहिए हमें, और फ्रूट में हमने केला और सेब लिया है, और तुख मलंगा हमें चाहिए होगा, और दूध, दूध हमने एक लीटर लिया है। कोशिश कीजिएगा टेट्रा पैक अगर मिल्क होगा तो उससे बड़ा अच्छा ये टेस्ट आएगा इसका, क्योंकि थोड़ा गाढ़ा दूध चाहिए होता है इस रेसिपी के लिए। तो आइए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि 4 कप पानी हमने ऑलरेडी बॉईल कर लिया है, गर्म पानी की हमें चाहिए होगा। एक बोल लेंगे इस तरह, बोल में हम सबसे पहले 2 कप पानी ऐड करेंगे, गर्म पानी होना चाहिए। एक और दो, 2 कप पानी ले लिया। इसमें हम सबसे पहले जेली बनाएंगे। जेली बनाने का तरीका भी बड़ा आसान होता है। सबसे पहले हम ग्रीन वाली बना लेते हैं, ये किसी भी बाजार से आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। इसमें साथ साथ ऐड करेंगे और साथ साथ हिलाते जाएंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, ये ग्रीन जेली हमारी रेडी हो रही है। बस 1 से 2 मिनट आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है अच्छी तरह से। जैसे इसमें ये अच्छी तरह हल हो जाए तो फिर हम इसको डिश में डाल लेंगे। ले जी, अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है जेली को। आप इसको एक डिश ले लें या कोई बोल ले लीजिएगा जिसमें ये क्यूब्स हम इसके अच्छी तरह से बना लें। इसमें इस तरह डाल देंगे, और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ये बड़ी अच्छी जेली बन जाएगी। अब हम अपनी नेक्स्ट जो है वो रेडी करते हैं जेली। ले जनाब, अब आप स्ट्रॉबेरी की जेली जो हमारे पास है वो रेडी करते हैं। उसी तरह 2 कप गर्म पानी लेना है, एक दो, 2 कप गर्म पानी लिया, साथ ही हमारे पास जेली है किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। इसको साथ साथ मिक्स करते जाएंगे पानी के अंदर। ले जी, अच्छी तरह मिक्स हो गई है, इसको भी हम बोल में डाल लेते हैं। दोनों कलर्स हमारे बन चुके हैं जेली के, जस्ट हम 15 से 20 मिनट वेट करेंगे तो ये ड्राई हो जाएगी, और नेक्स्ट प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तब तक जी व्यूअर्स, जब तक कि जेली ठंडी होती है हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करने लगे हैं। करना क्या है कि दूध लिया है हमने 1 लीटर, उसको एक देचकी में डालते हैं इस तरह से। बिस्मिल्लाह, नहीं जी, जैसे ही अब थोड़ा उबाल आना शुरू होता है तो फिर हम इसमें सेवइयां जो है हमारी वो ऐड करेंगे और चीनी। लेकिन आप थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे उबाल आना शुरू हो जाता है तो फिर हम उसमें ऐड करेंगे। दूध को उबाल आना शुरू हो चुके हैं, तो अब इसको अच्छी तरह आपने इस तरह मिक्स करते रहना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट हम इसको इसी तरह उबाल आने देंगे ताकि दूध थोड़ा सा मजीद गाढ़ा हो जाए, तब ये बड़ा मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी। इससे फ्लेम थोड़ा सा हम अब मीडियम कर देंगे या स्लो कर देंगे थोड़ा, जिससे दूध बाहर ना उबले। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इस तरह उबाल आते हुए दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, हम सेवइयां ऐड करेंगे बारीक वाली,
बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है आपने, ये ज़्यादा सेवैयाँ नहीं डालनी, कह लें 2 टेबलस्पून कह सकते हैं आप, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं दूध में। अगर ये आप बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा दूध, तो लिहाजा हम बिल्कुल थोड़ी सी इसमें ऐड करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, सेवैयाँ भी अच्छी तरह गल चुकी हैं दूध के अंदर। अब इसमें क्या करेंगे, चीनी ऐड करेंगे। हमारा 1 लीटर दूध था उसमें हम तकरीबन 3 टेबलस्पून, अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 4 टेबलस्पून, तो मैंने 3 टेबलस्पून चीनी ली है, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं दोबारा। ले जनाब, चीनी भी अच्छी तरह इसमें मेल्ट हो चुकी है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर, उसमें हम कस्टर्ड चाहिए होगा हमें 2 टेबलस्पून, 1/2 कप पानी लिया है हमने, प्याली में 1/2 कप पानी डाल के उसमें 2 टेबलस्पून कस्टर्ड, ये बहुत ज़्यादा कस्टर्ड ऐड नहीं करना हमने, ज़्यादा थिक नहीं बनाना इसको, 2 टेबलस्पून ठंडा पानी लीजिएगा, पानी की बजाय अगर आप दूध इस्तेमाल करें वो भी ठीक है, आपकी मर्जी है जिसमें आपने इसको मिक्स करना। अच्छी तरह से मिक्स करके फिर हम दूध में ऐड करते हैं। ले जी, अब हम इसमें कस्टर्ड ऐड करते हैं, किसी भी फ्लेवर का आप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि दूध भी थिक हो गया है कस्टर्ड के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, ये इसकी क्वालिटी है इस रेसिपी की कि आपने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, बस दूध हल्का सा गाढ़ा हो जाए ये इनफ है। कस्टर्ड डालने के ठीक 2 मिनट के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको एक दफ़ा दोबारा मिक्स कर लेते हैं, और मैं आप देख सकते हैं जूम में कि इतना थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, ये लिक्विड फॉर्म में ही है ये, और इसको अब ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस में लेके जाएंगे। अब क्या करना है, जब तक ये ठंडा होता है हमारी दूध सेवैयाँ कस्टर्ड वाली, उसमें अब फ्रूट जो है वो कटिंग कर लेते हैं, जिसमें सेब केला, इसको हम कटिंग करके फिर आपको बताता हूँ क्या करना है। जी व्यूअर्स, हमने केले भी 3 से 4 अदद केले की कटिंग कर ली है इस तरह आप देख सकते हैं, और सेब की भी 2 अदद सेब थे, ये आपकी अपनी मर्जी है कि कितना आपने इसमें फ्रूट ऐड करना है, लेकिन ये इनफ है, ज़्यादा फ्रूट ऐड नहीं करेंगे। अब आते हैं अपनी जेली की तरफ, जेली हमारी ठंडी हो चुकी है, सबसे पहले क्या करेंगे जेली के क्यूब्स बना लेंगे, कटिंग कर लेंगे इस तरह से, थोड़ी सी तिरछी हम कर लेते हैं इस तरह, और अब स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से, कोशिश करना है कि बिल्कुल स्ट्रेट हो आपकी जो नाइफ है, बिल्कुल स्ट्रेट। इसकी हमने कटिंग कर ली है, दूसरी की भी कटिंग हम कर लेते हैं, इसकी भी थोड़ी सी तिरछी कर लेंगे इस तरह से, बहुत बड़े क्यूब्स नहीं बनाने, छोटे क्यूब्स। ले जनाब, अब हम आते हैं अपने असल काम की तरफ, तमाम चीज़ें रेडी हैं, जेली रेडी है, जो हमने सेवैयाँ बनाई थी कस्टर्ड दूध में वो भी रेडी हैं, फ्रूट भी हमारा कटिंग हो चुके हैं। अब हमने करना है सैंपल, क्या कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्यूब्स चाहिए आइस क्यूब्स, उसको ग्लास में डालेंगे इस तरह से, क्यूब्स डालने के बाद हमारे पास तो फुमलंग है, 1 टेबलस्पून या टीस्पून आपकी मर्जी है कि कितना आपने इसमें ऐड करना है, अपने पसंद के मुताबिक आप ऐड कीजिएगा इस तरह से, मज़ीद ऐड कर लेते हैं। ले जनाब,
अब इसमें क्या करेंगे, जेलीज ऐड करेंगे। पहले हम ब्रेड ऐड कर लेते हैं, बड़ा खूबसूरत आज की रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा ये जेली। फिर हम इसके बाद ग्रीन वाली जेली इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसमें फ्रूट ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून बनाना और 1 टेबलस्पून इसमें सेब। दोनों सेब और बनाना ऐड करने के बाद अब लास्ट पे सेवइयां वो ऐड करेंगे इस तरह से। और बादाम इसके ऊपर हम थोड़े से कटिंग की हुई है हमने, बादाम इस तरह से लगा देंगे। जूम में आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम दूसरा अपना जो ग्लास है वो भी रेडी करते हैं। ले जनाब सेकंड वन हम तैयार करते हैं ग्लास। तुखमलंगा और आइस हमने ऑलरेडी ऐड की हुई थी, अब इसमें हम जेली ऐड कर देते हैं। पहले ग्रीन, पहले हमने रेड किया, अब ग्रीन कर लेते हैं। इस तरह से अब इसमें क्या करेंगे, फ्रूट ऐड कर लेते हैं, सेब, सेब ऐड करने के बाद दोबारा हम इसमें जेली ऐड कर लेते हैं रेड वाली। जेली ऐड करने के बाद केला वो ऐड कर लेंगे। केला ऐड करने के बाद अब इसमें सेवइयां जो थी हमारी कस्टर्ड में हमने जो बनाई हुई है वो ऐड करेंगे। बहुत मजे की रेसिपी है, जरूर आपने घर में ट्राई करना है। और लास्ट में बादाम, ले जनाब हमारा जेली फ्रूट डेजर्ट बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में भी, जितना खूबसूरत ये लग रहा है उतना खाने में भी बहुत मजेदार होगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। जूम आपको दिखाते हैं जूम करके भी। जी व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आज दोबारा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि रमज़ान चल रहा है तो ज़रूर गरीबों का, अपने हमसायों का, अपने अज़ीज़ो क़ारिब का ज़रूर ख्याल रखा करें, ताकि वो भी सहर व इफ्तार अच्छी तरह से कर सकें। ये बहुत ज़रूरी मैसेज था जो मैं आपको आज की वीडियो में दोबारा कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। तो आज आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस दुआ के साथ कि खुश रहें, आबाद रहें, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।